कानपुर लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी ने अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति के तत्वाधान में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन कानपुर पुलिस कमिश्नर को दिया है और अधिवक्ताओं के लिए पेंशन की मांग की है। कानपुर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देने आए अधिवक्ताओं के वरिष्ठ नेता पंडित रविन्द्र शर्मा ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व पार्टी के संकल्प पत्र अधिवक्ता हितार्थ अधिवक्ताओं की पेंशन योजना के अंतर्गत कम से कम 15,000 प्रति माह लागू किए जाए। अधिवक्ता कल्याण निधि योजना जिसके अंतर्गत 30 वर्ष की सदस्यता पर परिपक्वता 10 लाख की राशि लागू की जाए और अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य बीमा कवर 50,000 योजना के तहत और आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए और युवा अधिवक्ता प्रोत्साहन योजना नए युवा अधिवक्ताओं को प्रथम 10 वर्ष तक 10,000 की प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए। अधिवक्ताओं को निवास के लिए जो प्रॉपर्टी नोलॉन्स पर आवासीय प्लॉट दिए जाएं, अधिवक्ताओं की सुरक्षा और जीवन रक्षा हेतु अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम शीघ्र लागू किए जाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द लागू किए जाने की मांग की। आज हम लोगों ने ज्ञापन नहीं दिया है, आज हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित सुझाव पत्र दिया है कि वो गारंटी दें कि अपने संकल्प पत्र में अधिवक्ता पेंशन योजना, अधिवक्ता कल्याण निधि योजना, अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा कवर योजना, युवा अधिवक्ता प्रोत्साहन योजना और अधिवक्ताओं की सुरक्षा और जीवन रक्षा हेतु अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम सहित अधिवक्ता आवास योजना की गारंटी करें ताकि देश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा योजना इतने वर्षों के देश के स्वाधीन होने के बाद लागू की जा सके। कब करेंगे सर? आज किसको दिया था आप लोगों ने? अभी हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर महोदय को दिया है, वो तत्काल इसको आगे कार्रवाई